नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। जैसा कि डियर हम लोग बात कर रहे थे, टेबल टैग हमारा हो गया था कंप्लीट। टेबल टैग का यूज हम लोग देख लिए, सारा यहाँ पे डेटा भी इंसर्ट कर लिए। तो डियर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमारा जो आज का नया टॉपिक होगा, वो टॉपिक का नाम होगा डियर, हम लोग लिस्ट पर बात करते हैं। हम लोग एचटीएमएल में लिस्ट को पे आज हम लोग एग्जांपल को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हमारे वेब पेज में एक लिस्ट तैयार होती है। लिस्ट हमारी ऑर्डर होती है, अनऑर्डर होती है। आज हम लोग पहले सबसे पहले एक लिस्ट का यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो आइए डियर हम लोग बात करते हैं कैसे लिस्ट यहाँ पे हम लोग अपने वेब पेज में डिफाइन करते हैं। चलिए डियर बात करते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हमारा वही काम होगा जैसा अभी तक हम लोग करते चले आए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे डियर, हम लोग एचटीएमएल टैग ओपन कर लेंगे। एचटीएमएल टैग ओपन करते यहाँ पे हमको कोई हेडर लगाना है, टाइटल देना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हेड टैग ओपन कर लेना है। हेड टैग हमारा जैसे ओपन होता है, तुरंत हम लोग को अगर टाइटल देना है तो बिल्कुल यहाँ पे हमने टाइटल टैग भी लगा दिया। हमने यहाँ पे टाइटल टैग लगाया। अब टाइटल में हमको जो भी देना है डियर, हमको टाइटल में जो भी देना है हम टाइटल के अंदर बिल्कुल यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देना है HTML, यहाँ पे हमको क्या देना है, HTML on order list। क्या देना है, HTML on order list। यहाँ पे हमको यहाँ पे on order list, HTML on order list। ओके, टाइटल को बंद कर दो, टाइटल हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, टाइटल हमारा क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, टाइटल जैसे ही बंद होता है तुरंत हमारा हेड क्लोज हो जाता है। यहाँ पे तुरंत हमने क्या कर दिया, हेड को बंद कर दिया। ओके, जैसे हमारा हेड क्लोज हुआ वैसे अब हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, तुरंत क्या करेंगे, बॉडी ओपन कर लेंगे। क्या करते हैं भाई, कंटेंट को कहाँ डिफाइन करते हैं, बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे बॉडी ओपन कर लिया। अब बॉडी के अंदर हमको सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट दिखाना है। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया भी था, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमको यूएल टैग डिफाइन करना होता है। कौन सा टैग डिफाइन करना होता है, यूएल टैग हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब यूएल टैग में हमको सपोज दैट लिस्ट बनाना है, तो जितना भी लिस्ट बनाना है, LI का मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, हमने LI रख दिया। LI में हमने सपोज दैट मान लीजिए नदी का नाम हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, नदी का नाम हमने डिफाइन किया, तो पहला हमने नदी का नाम ले लिया सपोज डेट यहाँ पे, चलिए हम ले लेते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, नर्मदा नदी। ओके, चलिए हमारा सबसे पहला क्या है, नर्मदा हो गया। हम क्या करेंगे, नर्मदा के बाद तुरंत LI को बंद कर देंगे, लिस्ट हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाए। फिर हमको दूसरी लिस्ट बनाना है, फिर हमने LI टैग डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब नर्मदा के बाद क्या आता है, कावेरी नदी। क्या आता है डियर, कावेरी नदी, हमने चलो कावेरी ले लिया, बिल्कुल हमने यहाँ पे कावेरी ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, LI को क्लोज कर देंगे। ओके, चलिए फिर हमको LI लगाना है, फिर हमने LI ओपन कर लिया। ठीक है, तो नर्मदा हो गया, कावेरी हो गया ना, इस तरीके से गोमती नदी हो जाए, गोमती, चलिए हमने यहाँ पे गोमती भी ले लिया, LI क्लोज कर दिया। ओके, चलिए फिर क्या करना, हमने LI यहाँ पे ओपन कर लिया। ओके, गोमती के बाद सपोज दैट हमें यहाँ पे और भी लेना है, गंगा नदी, हमने गंगा भी लिख दिया। ओके, हमने गंगा नदी लिख लिया। अब क्या करेंगे, उसी लाइन में LI टैग को क्लोज कर देंगे, बिल्कुल जैसा कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। गंगा के बाद और भी लिस्ट बनाना है, चलिए एक लिस्ट और तैयार कर लेते हैं, गंगा के बाद यमुना नदी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने यमुना लिख दिया। गंगा के बाद क्या आ गया, यमुना आ गया, LI क्लोज हो गया। ओके, चलिए इसके बाद फिर क्या बात आती है, LI के आपका फिर और बनाना है, सरस्वती या मालोचनी नदी बहुत है। अब क्या करेंगे, LI हमारा वहीं पे बंद हो गया, जहाँ पे LI हमारा लास्ट क्लोज होता है। UL देखिए हमारा ऊपर ओपन है, हमने अब यहाँ पे क्या कर दिया, अपने UL को क्लोज कर दिया। ये भी टैग बंद होना चाहिए, UL टैग बंद हो गया। आप क्या ओपन है, बॉडी ओपन है, हमने यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, बॉडी को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए बॉडी बंद हुआ, तुरंत HTML क्लोज कर दो, तुरंत हमने
एचटीएमएल को बंद कर दिया। ओके डियर, तो आज हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट पर चर्चा किए हैं। अनऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करते हुए किस तरीके से वेब पेज में लिस्ट को दिखाते हैं, देखिए इसको सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप पे जाइए, ठीक है, जिस नाम से सेव करना हो, राम नाम से सेव करना, राम डॉट एचटीएमएल लगा दो। फाइल हमारी सेव हो गई, देखना चाहते हो बिल्कुल इसको रन कराइए। राम नाम की फाइल आपकी आ गई है और यहाँ पे आपके सामने ये देखिए, हमने एचटीएमएल हमने टाइटल में क्या दिया था, एचटीएमएल ऑन ऑर्डर लिस्ट आपका यहाँ पे दिखाया गया है। नर्मदा, कावेरी, गोमती, गंगा और यमुना, ये हमारी एक लिस्ट तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये लिस्ट हमारी अनऑर्डर लिस्ट, इसमें कोई आपका कोई ऑर्डर नहीं बना हुआ है। इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर लिस्ट पर बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर में दिखेगा, यानी सीरियल में दिखेगा 1 2 3 करके। ओके डियर,